नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से आज जानेंगे कि मिरर यानी कि दर्पण आपके बारे में क्या कुछ कहता है, कैसे आपको इसे लगाना चाहिए। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर, आपके ऑफिस, आपके शोरूम में लगे मिरर अर्थात दर्पण अर्थात शीशे के सही वास्तु के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आपके घर के अंदर मिरर कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, गलत दिशा में मिरर रखने के क्या दुष्प्रभाव हैं, ये सब आज मैं आपको बताऊँगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिरर यानी दर्पण किस तरह से हमारे जीवन में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी लेकर आता है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर, आपके ऑफिस में लगा मिरर दर्पण आपके घर ऑफिस की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर ऑफिस में लगा हुआ मिरर अर्थात दर्पण अर्थात शीशा अर्थात ग्लास वास्तु सम्मत दिशा में नहीं है तो आपके घर में, आपके ऑफिस में आपको नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे शोरूम में मिरर अर्थात दर्पण अर्थात शीशे का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। छोटी जगह को बड़ा दिखाने का ये सबसे अच्छा जरिया माना जाता है, और अगर इन्हें दर्पण को सही तरीके से, मिरर को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वही मिरर आपके घर में, व्यापार में, शोरूम में सुख समृद्धि भी लाने का काम करता है। हालांकि एक सच ये भी है कि अगर आपने मिरर अर्थात दर्पण शीशे को, ग्लास को ठीक तरीके से और सही जगह पर यूज़ नहीं किया तो इसका असर अच्छे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपको बताने जा रहा हूँ मिरर अर्थात दर्पण के कुछ ज़रूरी रख रखाव पर, ताकि आपके घर और ज़िंदगी में भी सुख समृद्धि आ सके। सबसे पहली चीज, मिरर किधर होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उत्तर दिशा में मिरर लगाना फायदेमंद होता है, नॉर्थ वॉल पर, क्योंकि उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर का केंद्र होती है। उस दिशा में ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए वहां पर आप शीशा लगा सकते हैं। धन को बढ़ाने में मदद करने वाली एनर्जी को बनाए रखने के लिए बिजनेसमैन अपनी तिजोरी, अपना जो कैश काउंटर है, उस कैश काउंटर के पास में एक छोटा मिरर लगा सकते हैं। ऐसा मिरर लगाने से न केवल धन का लाभ होता है बल्कि कस्टमर्स भी इतने आने लगते हैं कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है। बाथरूम, टॉयलेट, टॉयलेट के अंदर यदि आप दर्पण काम में लेते हैं तो वो दर्पण पूर्व या उत्तरी वॉल के ऊपर, पूर्व दिशा वाली दीवार पर या उत्तर दिशा वाली दीवार पर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ड्रेसिंग रूम में शीशों को जमीन से कम 4 से 5 फुट ऊपर रखना चाहिए। शीशा बिल्कुल जमीन पर नहीं होना चाहिए, 4 से 5 फुट हाइट पे होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा मानी जाती है, आग्नेय कोण। अगर आग्नेय कोण में आप दर्पण लगाते हैं, अगर आपके कमरे के आग्नेय कोण के अंदर शीशा लगा हुआ है तो इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी हर्डल्स। झगड़े होने लग जाते हैं, मन मुटाव होने लग जाते हैं, कलह कलेश की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपका जो बेडरूम है या आपका जो घर है, आपका जो शोरूम है, उसके आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में दर्पण लगाने से बचना चाहिए,
ग्लास लगाने से बचना चाहिए, शीशा लगाने से बचना चाहिए। दो दर्पण एक दूसरे के सामने नहीं लगने चाहिए, दो दर्पण एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। ऐसी जगह जहां दर्पण एक दूसरे के सामने हो वहां पर बेचैनी बढ़ जाती है। आइडियली तो मैं ये कहता हूं कि बेडरूम में शीशा होना ही नहीं चाहिए, बेडरूम में दर्पण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पर्सनल ड्रेसिंग स्पेस के चलते हमें इसे अपने बेडरूम में रखना ही पड़ता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि ड्रेसिंग टेबल के जो ग्लास है, शीशा है, उसमें आपकी बेड की परछाई नहीं दिखनी चाहिए। जब आप सोते हैं तो उस ग्लास में परछाई नहीं आनी चाहिए। शीशे में, दर्पण में, ग्लास में बेड का रिफ्लेक्शन दिखने से कपल्स की लाइफ, मैरिड लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री होने की संभावना रहती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेज होते हैं, इसलिए बिस्तर के ठीक सामने ग्लास नहीं होना चाहिए। दर्पण लगाने की सबसे सही दिशा होती है, दीवार जो होती है, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन में आप ग्लास लगा सकते हैं, दर्पण लगा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में आप दर्पण लगा सकते हैं। साउथ वॉल के ऊपर कभी भी आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी नहीं लगाना चाहिए। एक पतला स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का रास्ता, घर में एक पतला सा सीढ़ियों का रास्ता आपके घर में कई तरह के मिसफॉर्च्यून ला सकता है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई जगह है तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सीढ़ियों के साथ ऊपर जाती हुई दीवार पर एक लंबा शीशा लगा दीजिए। आपकी सीढ़ियों की लैंडिंग स्पेस पर भी आप शीशा लगा सकते हैं, इससे छोटी और कमजोर जगहों पर भी अच्छी एनर्जी आती है। बाथरूम में फुल लेंथ शीशा लगाने से नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां पर भी बाथरूम में फुल लेंथ का शीशा लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस शीशे में टॉयलेट सीट नजर ना आए। इस तरीके से लगाइए कि टॉयलेट सीट उस शीशे में नजर नहीं आनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, चौकोर और आयताकार रेक्टेंगुलर शीशा घर के लिए शुभ माना जाता है, दर्पण शुभ माना जाता है। अंडाकार गोलाकार दर्पण ग्लास शीशा लगाने से बचना चाहिए। बाथरूम में शीशा दर्पण भरपूर उजाले वाली जगह पर लगाना चाहिए, और कभी भी अंधेरे वाली दीवार पर न लगाएं। यदि घर का उत्तर पूर्व का कोना कटा हो तो उस दिशा में एक बड़ा लुकिंग मिरर लगा देने से उस दिशा भ्रम हो जाता है और वो दिशा बढ़ती हुई दिखाई प्रतीत होती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही यदि घर के सामने कोई खंभा, पेड़, किसी मकान का कोना, खंडर हो तो घर के मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर एक गोल शीशा लगा देने से घर में आने वाली नकारात्मक जो एनर्जी है वो उस ग्लास से, दर्पण से टकराकर बाहर की तरफ चली जाती है। ड्राइंग रूम में उत्तर पूर्व की दीवार पर ओवल शेप का एक बड़ा शीशा लगा देना चाहिए, इससे भोजन करने वालों का और भोजन का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन उसमें दिखे, इससे घर के अंदर समृद्धि बढ़ती है। ड्राइंग रूम जो होती है वहाँ पर अगर आप ग्लास लगाते हैं तो सदैव उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही, नॉर्थ वॉल जो है या ईस्ट वॉल है ड्राइंग रूम की, वहाँ पर भी दर्पण लगाना चाहिए। भूल कर भी दर्पण को साउथ वॉल पर ना लगाएं। और एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई कि अपने बेडरूम के अंदर कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में, स्टडी रूम में भी कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। जिस बेडरूम के अंदर सोने के कमरे में दर्पण लगा हो और दर्पण के अंदर रिफ्लेक्शन दिखता हो बेड का, तो ऐसे व्यक्तियों के रिलेशंस पे भी फ़र्क पड़ता है। और बच्चे अगर ऐसे कमरे में सो रहे हैं तो उनके कंसंट्रेशन, पढ़ाई के ऊपर भी उसका असर आता है। वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर के सामने शीशे नहीं होने चाहिए।
ऐसा करने से घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। अगर घर के खिड़की दरवाजे शीशे के हैं तो वो शीशा पारदर्शक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बच्चों का कमरा सजा रहे हैं तो वास्तु के अनुसार कभी भी उनके कमरे में हैंगिंग लटकता हुआ दर्पण नहीं होना चाहिए, हैंगिंग दर्पण नहीं होना चाहिए। दीवार पर लगा हुआ दर्पण कभी भी आगे की तरफ गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा दर्पण हमेशा सीधा लटकाइए, सीधा रखिए। और बहुत से घरों में देखा गया है, महिलाओं की आदत भी होती है कि रसोई घर में भी दर्पण रख देंगी, भूल कर भी रसोई घर में दर्पण नहीं रखना चाहिए। घर में शीशा ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां पर उसमें किसी भी गंदी नाली या कचरे का प्रतिबिंब उसके ऊपर दिखाई पड़े, शीशे के अंदर डस्टबिन का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार ये दर्पण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मोटी मोटी बात यह है कि अपने बेडरूम में दर्पण मत लगाइए, पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में दर्पण मत लगाइए। दर्पण जब भी लगाएं तो या तो ईस्ट वॉल पे लगाएं या नॉर्थ वॉल पे लगाएं, पश्चिम वॉल के ऊपर और साउथ वॉल के ऊपर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दर्पण फुल लेंथ पे और अगर आपकी ड्रेसिंग रूम है तो एटलीस्ट 4 से 5 फुट की हाइट के ऊपर मिरर होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दर्पण से जुड़ी, शीशे से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी निश्चित तौर पर आपके काम आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।